जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला, नहीं बपौती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की, गिली 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 फू। यह सुनकर शेर और सांप बोले, नहीं मुसाफिर, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है जो तुम पर हमला करे। हम इंसान को तभी मारते हैं जब वो हम पर हमला करता है। तुम हमारी जान बचा लो तो हम सारा जीवन तुम्हारा एहसान मानेंगे और जरूरत के वक्त तुम्हारे काम आएंगे। यह सुनकर नौजवान को तसल्ली हुई और उसने सबको बाहर निकाल लिया। शेर को भी? हाँ हाँ, और क्या, सांप को भी? हाँ हाँ। सांप को कैसे निकाला? कैसे निकाला? खींच के निकाला। और कैसे निकाला? हाथ से खींच के। और नहीं तो क्या, पांव से? अरे तुमसे चुपचाप कहानी ना सुनी जाती। पकड़ 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 पकड़। पढ़ना आगे, फिर क्या हुआ? ओ छोरा, इतने दोपहर में कहाँ जा रहे हो? रामपाल। अरे ओ रामपाल, ऐ कहानी तो पूरी कर जाना। तू का देखे है किताब? मुन्ना जाग गया, जा उसे संभाल। इतने उतले मैं निकाल रहा हूं। जरा सी कहानी ना सुना सके थे। अरे आए तो रोटी तो मैं ही दूंगी उसे। पानी पिएगा कि ना? हाँ पी ले ना। ए, मेरा मुन्ना स्कूल जाएगा कि ना? हाँ जी जी को कहानी पढ़ के सुनाएगा। मासी का है री? पढ़नी जा रही है जी, किताब ना देख रही? मैं भी चलू। अरे मां मारेगी। अब इस पाठ में एक मात्रा और दो अक्षर नए आए हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, तुम लोग किताब में से देखो, और जो भी अक्षर नए आए वो मुझे बताना, पर बाद में, पहले सुनो। कमला के भाई पढ़ते लिखते, कमला का भी मन करता कि पढ़े लिखे, सिलाई सीखने का मन करता, कढ़ाई करने का मन करता, लेकिन कमला पढ़ाई लिखाई न कर सकी, सिलाई कढ़ाई भी न सीख सकी। ये देख। एक एक करके दिखाओ, एक एक करके सुनाई माँ। हाँ अब बताओ। जेन जेन छोरी, दांत क्यों लिखा रही रे? जे समझ रही होगी, यहाँ आके सभी पागल है गई है। पागल ना समझेगी, इतनी बार बताया सुशीला ने कि सारी की सारी एक साथ मत ही बोलो, पर तुम्हारी तो समझ में आती है ना। कोई बात ना आराम प्यारी। अच्छा सुनो रे, मैं ऐसे ना देखूंगी, अब इन गिट्टों में से वो अक्षर निकालो जो आज नए आए हैं। अच्छा जी। मैं
जे तो जेरा जी ये बताओ ये क्या है? चौकी। चौकी है जी? ऐसी हो गई चौकी? ना जो चौकी ना है। अरे हाँ चौकी में तो ऊपर भी काट हुए है। अरे ये तो भुनी हुई है। हाँ तो फिर क्या है जी? ये खटोला है। खटोला नहीं उड़न खटोला क्या ताई? खटोला भी ऐसा चौकर हो गए कोई लंबूतरा हो गए तो है क्या? अच्छा मैं लिखे देती हूँ तुम पढ़ के बताना। बताओ ये क्या लिखा है? मैं बताऊँ? ना गीता तू पढ़ के बता। पा बड़ी की मात्रा पी। अरे जे ना पढ़ा जा रहा हूँ। छोड़ उसे आगे पढ़। जे तो आ की मात्रा है। तो पहले तूने पढ़ा पी फिर जे खाली और फिर आ की मात्रा। सोच बीच में क्या आवेगा? पी आ की मात्रा पी आ पिया पिया। मौसी जे तुझे पिया नजर आ रहा है पीट पीट के अपने पिया का पीड़ा बना दिया। हटे। अरे ये तो पीड़ा है। हाँ पीड़ा पीड़ा है ये। हारी मेरे पेट में। हाँ जी पर ही नहीं आ रहा पीड़ा है। ठीक है जाना गीता फिर से पढ़। पीड़ा पीड़ा। अरे हिज्जे करके बता। पा पड़ी की मात्रा पी। अरे इसे कह हुए क्या है? इसे क्या कहते होंगे? ढा ढा नहीं ढ ढ। अब कर हिज्जे। प बड़ी की मात्रा पी ढ पीड़ आ की मात्रा पीढ़ा। तो आज हमने जो नया अक्षर सीखा ढ अब याद रखना कभी भूल जाओ। अब देखो अरे चे क्या बना रही है? अरे तितली बना रही हूँ बनी ना रही। मैं बनाऊ? तुझे बनानी आवे? इधर आ। अरे आ तो चल ले। अरे वाह ये तो सचमुच की तितली बना दी मूर्ति ने। अरे एकदम जिंदी लगे। हाँ री जैसे अब भी उड़ जाएगी। अब
पढ़ेगा कौन? राम प्यारी तू पढ़। हाँ, सारी मुश्किल चीजें मुंह पे ही पढ़वावे। अरे कुछ मुश्किल ना है, पढ़ तू। मुंह पे तो पहला अक्षर ही ना पढ़ा जा रहा। ये पहला अक्षर ना है, मात्रा है। क्या छोड़ी से तू पढ़। ता है, फिर ता, ता ता, फिर ला, ता ता ला, ता तल। अरे ये ततल का है? आगे ना पड़ेगी। अल्लाह ला में बड़ी की मात्रा, ता तली, ततली। अरे ये तो ततली लिखा है, तितली कहाँ से रह गया? ये पहला वाला छोड़ दिया ना तैने। ये है छोटी की मात्रा, ततली के पहले लगा के बन गया तितली। ये छोटी की मात्रा जिस अक्षर से भी पहले लगा दे तो ई की आवाज आवे। जैसे बल के पहले लगा दे तो बिल, और जो खल के पहले लगा दे तो खिल, तल के पहले लगा दे तो तिल। हाँ, और बन के पहले लगा दे तो बिन। हाँ, मल के मिल, लख के लिख, हल के हिल। हिल ये तो बहुत बढ़िया चीज है। सूखी जमीन पे हल ना चल रहा हो तो वहां में जाके जे मात्रा लगा दो, फौरन हिल जाएगा। इतनी मस्करी मत किया करे रे कौशल्या, अच्छी खासी चलती चलाती गाड़ी रुक जावे। तो उसमें भी जे मात्रा जाके लगा दो, फिर चल जावेगी। तुझे क्या बनाया मूर्ति ने? बस कौशल्या तू लिख। अब अस कैसे लिखेंगे? अस नहीं, स, स दिखा। बस बस रामप्यारी तू लिख। बस कौशल्या तू लिख बरसात। सिलाई स में छोटी की मात्रा, सी ला में आ की मात्रा, ला ई में बड़ी की मात्रा, सी लाई सिलाई। जी हमेशा क्या काटती रहो मौसी? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही दो पैसे कमा लेऊं और क्या। कैसे? उमर इलाही दर्जी है ना, उसके पास लाला आवे ना शहर से फटपटिया पे, देखा? हाँ, वो उससे ढेर सारी निकरी और चोलिया सिलवावे। हाँ वो ही,
उसी के लिए मेज पोश काटू। शहर में लोग रेडियो टेलीविजन पे बिछावे ना, वो सारे पैसे देवे। अरे नारी, एक नंबर का कंजूस है मरा, एक मेज पोश काटने की अठन्नी देवे। उंगलियां भी मरी देख कैसी है रही, और आंखें भी दुखने लगे। फिर भी महीने में 15-20 से ज्यादा ना बन पाते। 15-20? ए मौसी, मुझे भी सिखा देना। तेरा बाप पढ़ने तो आने ता देवे, अब सिलाई कढ़ाई की कहेगी तो और चिल्लाएगा। तुझसे बात तो करके देखना मौसी। ठीक है, एक बार और सही। आज शाम को आऊंगी तेरे घर कमला को लेके। सच्ची? कमला कितनी बात सुना गई मुझे, जैसे मैं तेरा दुश्मन हूँ। अरे मूर्ति, मैं क्यों तेरा बुरा चाहने लगा? अरे तू दो हरूफ पढ़ ले, अच्छा ही है, मेरा क्या जाएगा? पर तू खुद ही देख बेटी, तेरी माँ हर वक्त बीमार रहवे है, भारी काम उस पे होवे ना है। मुन्ना भी छोटा है, तू सबसे बड़ी लड़की इस घर की देखभाल ना करेगी तो इस घर में तो कुत्ते लौटेंगे। कल को तेरा ब्याह होगा, तू ससुराल जाएगी। अरे तू वहां जे सब कुछ चलेगा कभी ना? तेरा ये काम धाम छोड़ के तेरी बाहर रहने की आदत पड़ गई तो ससुराल में बहुत दुख उठाएगी बेटी, सुन रही है ना? एक डेढ़ घंटा ही तो हुए क्लास। का कही? अरे जोर से बोल। एक डेढ़ घंटा ही तो हुए। अरे कमला की सुनी सुनाई मुझे मत सुना, वो भी एक डेढ़ घंटा कह के मेरा भेजा चाट गई। अरे इस एक डेढ़ घंटे में मुन्ना को कौन संभालेगा? मैं साथ ले जाऊंगी बापू। ओ सुशीला मुसी कह रही थी कि साथ ही ले आया कर, आज भी मैं लेके गई थी ना तो रोया ना था। ठीक है, कर तू अपनी मर्जी मेरी भला से। जाने कौन से लड्डू मिल जाएंगे इसे पढ़ लिख के। अरे शहर में 16वीं 18वीं 18वीं करके जनानियां सड़कों पे डोलती फिरे, ना नौकरी मिले ना शादी होवे, इसे जाने कौन सी लाट शादी हाथ आ जाएगी, पर इन्हें समझावे कौन? औरतों का जमाना है। कहने लगा कि औरतों का जमाना तो है, तू क्या जानती है? पार साल जो हड़ताल हुई, औरतें बस्तियों से जाकर बैठ गई धरने पर, जोर जोर के नारे लगाती रही, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जलूस में भी गई। फिर? अरे भैया तो मैंने तो वही धर लिया। मैंने कहा छेत्राम तुम्हारा जवाब नहीं है। अरे शहर में तो औरतों से जलूस निकलवाओ, अपने लिए धन्ने पर बिठवाओ, और यहाँ गांव में अरे पढ़ने के लिए भी ना भेज रहे मूर्ति को, बड़े शर्म की बात है। फिर क्या बोला? बोलने को क्या रह गया उस पे, बस वही ले देखे एक बात कि सोना दही पे सारा काम आ जाता। अरे मैंने कही रहन दे छेत्राम, सोना दही की तने बड़ी फिक्र करी, और वैसे भी एक डेढ़ घंटे को तो जागी तेरी छोरी, इतनी देर में को लंका थोड़ी ढह जागी। आखिरकार मान गया ना? हाँ भैया मान गया, मगर भगवान झूठ ना बुलाए, 3 महीना है गए उससे कहते कहते, आज कहीं जाके राजी हुआ। चलो तुम्हारे केंद्र में 3 से 4 औरतें तो हुई। अरे भाभी मुबारक हो मुबारक हो, इसी तरह लगी रहो। अरे 3 महीने में एक औरत आई पढ़ने को तो साल भर में आवेंगी 4। अरे तुम्हारे 5 वर्षीय योजना में कम से कम 15-20 औरतें तो पढ़ लिखी जावेंगी। बड़ी हंसी आ रही है। इतना तो होता ना है कि किसान सभा के मेंबरों से ही कम से कम कह दूं कि भाई अपनी बहू बेटी को पढ़ने भेजे, वो आगे बस हंसी उड़ाने। अरे हंसी ना उड़ा रहा यासीन, वो तो जे कह रहा कि ऐसे कितनों को राजी करेगी और कितनों के घर जावेगी। वो तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं, अरे इतना लड़ झगड़ के केंद्र का खुलवाया। अरे जे कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि तेने अच्छा काम नहीं किया? इस गांव में 4 औरतों को तैने पढ़ने बिठाल दिया, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है ये। फिर? अरे फिर जे की ऐसे कितनों को लावेगी? तू खुद ही बता रही है कि चैतराम 3 महीना सर पटकने के बाद आज राजी हुआ है, और जे भी सुन ले कि चैतराम तो राजी हो ही जाता, आज नहीं तो कल। खुद पढ़ा लिखा है, फैक्ट्री में मजूरी करे, 4 बातें समझता है। खाक समझे, हमारी किसान सभा वालों से तो ज्यादा ही समझता है।
इसे देख यासीन को। क्यों रे यासीन, कितने साल हो गए तेरे निकाह को? 4 साल है गए ना। कुछ कराते ना अपनी बीवी को पढ़ाने को? दुपट्टा डाले घर में बैठी रहे बेचारी। लो बोलो, मैंने तुमसे कितनी बार कही कि अब्बा को समझाओ। मेरे कहे तो वो मानने से रहे। अरे तेरे कहे से ना मानने तो मैं क्या कर लूंगा। जब मैंने कमला को पढ़ाया तो अम्मा बापू से रोज की चकचक हो गई थी। मैंने भी कही कि पढ़ेगी तो जे सही, चाहे कुछ भी हो जावे। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। हमने तो बतेरी कोशिश करके देख ली, हमसे तो ना होता जी।